हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS मूवी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुन्ना भाई MBBS मूवी के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। असल में मूवी को डायरेक्ट किया है राजकुमार हिरानी ने, और ये मूवी राजकुमार हिरानी की सबसे पहली मूवी थी। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ और वहीं इस मूवी ने कमाई करी 39 करोड़ की। ये मूवी 2003 में आई थी और ये मूवी इतनी अच्छी बनी थी कि इसे IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है, और ये मूवी इंस्पायर्ड है एक हॉलीवुड मूवी पैट्स एडम से। तो ये तो बात हो गई इस मूवी की कुछ डिटेल की, अब हम बात करते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स की। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है संजय दत्त का, जिसका नाम है मुन्ना भाई, उस रोल के लिए संजय दत्त से पहले भी और भी कई बड़े बड़े एक्टर का नाम सामने आया था, जिसमें से एक थे शाहरुख खान। लेकिन शाहरुख खान के गर्दन में चोट लगने की वजह से वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। इसके बाद विवेक ओबेरॉय का नाम आया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और इसके बाद मुन्ना भाई के रोल के लिए जिमी शेरगिल को कास्ट कर लिया गया था। आपको ये बात जानकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है, जिमी शेरगिल को ही मुन्ना भाई के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया था। लेकिन फिर संजय दत्त इस फिल्म से जुड़ गए और संजय दत्त को मुन्ना भाई का करेक्टर दे दिया गया। लेकिन वही अगर हम बात करें जिमी शेरगिल की, तो जिमी शेरगिल को इस फिल्म में एक और करेक्टर दे दिया गया था, जिसका नाम होता जहीर। हमने इस फिल्म में देखा कि सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का रोल प्ले किया है, और ये बात आप सभी को पता ही होगी कि रियल लाइफ में भी सुनील दत्त संजय दत्त के पिता है। लेकिन पहले भी और भी कई सारी ऐसी मूवी आ चुकी है जिसमें सुनील दत्त ने संजय दत्त के पिता का रोल प्ले किया है, और ये मूवी है रॉकी और क्षत्रिय। और अगर आपने संजू मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि असल में संजय दत्त इस फिल्म को नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने सोचा भी नहीं था इस फिल्म में काम करने का। लेकिन उनके पिता ने, यानी कि सुनील दत्त ने उन्हें कहा था इस फिल्म में काम करने के लिए, और तब जाके संजय दत्त इस फिल्म में काम करने के लिए माने थे। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में संजय दत्त के कैरेक्टर का नाम मुन्ना भाई होता है, लेकिन इससे पहले भी संजय दत्त की कुछ मूवी आ चुकी है जिसमें संजय दत्त के कैरेक्टर का नाम मुन्ना भाई होता है। इसमें से एक मूवी है 1990 में आई मूवी क्रोध, और एक आई थी 2002 में जिसका नाम था हम किसी से कम नहीं। और आपको इस मूवी के आनंद भाई तो याद ही होंगे, जिनका पूरा नाम होता है आनंद बनर्जी। दरअसल इनका नाम एक मूवी से लिया गया है। 1971 में एक मूवी आई थी राजेश खन्ना की, जिस मूवी का नाम था आनंद। तो उस मूवी में राजेश खन्ना का करेक्टर का नाम भी आनंद ही होता है, और उस मूवी में एक और करेक्टर था जो कि था अमिताभ बच्चन का, और उनका नाम था भास्कर बनर्जी। तो इसमें आनंद का आनंद उठा लिया गया और भास्कर बनर्जी का बनर्जी उठा लिया गया, और वहाँ से बना नाम आनंद बनर्जी। और मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस मूवी का बजट 10 करोड़ पहुंच गया था, तो 2003 के टाइम पे 10 करोड़ भी बहुत ही ज़्यादा होते थे, और राजकुमार हिरानी इस मूवी का बजट और भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे। तो इस मूवी के एंड वाले सीन में हमें एक सीन दिखाया जाता जहाँ पे मुन्ना भाई की शादी होती, लेकिन राजकुमार हिरानी ने सीन को कभी शूट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस मूवी का बजट बचाने के लिए उनके, यानी कि जहाँ पे शूटिंग चल रही थी इस मूवी की, उसके आसपास जहाँ भी शादी चल रही थी वो लोग वहाँ पे गए, और वहाँ पे लोगों से परमिशन मांगी कि क्या वो यहाँ पे फोटोशूट कर सकते हैं। और पे उन्होंने कुछ फोटोज खींची जिसे कि इस फिल्म में यूज किया गया है, और इस फोटो में आप पीछे जितने भी लोगों को देख रहे हो, ये कोई एक्टर्स नहीं है, बल्कि ये लोग फिल्म के क्रूज हैं जो कि कैमरा के पीछे या तो कैमरा संभालते हैं या कोई और काम करते हैं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।